हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, आज है नवरात्रे और मतलब मॉर्निंग से तो व्लॉग बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा था। तो मैंने जब पूजा कर ली थी तो उसके बाद में मैंने सोचा चलो शूट कर लूँ। तो जो थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट की थी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं पूजा कर बैठी ही थी तो मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चे अंदर शोर मचा रहे थे कमरे में, तो मुझे तो बस वॉइस ओवर ही करना पड़ता है क्योंकि कुछ सुनाई नहीं देता है। एक तो ट्रैफिक है और ये है। तो मैं जीने में बैठकर आपसे बात कर रही थी। और ये देखिए सामने मेरे यहाँ पर मैंने जो हैंगिंग प्लांटर टांग रखा है तो वो दिख रहा है। तो बस अब कई दिन से व्लॉग नहीं आ रही थी तो लाइव कर लेती थी तो नेट ही नहीं बचता था, तो इसलिए आज मैंने लाइव नहीं करी है। और बस वीडियो डालने की सोची तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, देखो कितना आप थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगा है। ये इसमें जो प्लांट लगा रखा है मैंने, ये है, मुझे अब इसका नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था इसको। तो चलो व्लॉग को करेंगे स्टार्ट देर ना करते हुए। तो अब ये देखिए चलो चलते हैं अंदर। और यहाँ पर देखिए आज मैंने भगवान जी को नहीं नहलाया था, आराध्या ने ही नहला लिया था इनको। और देखो इनके तौलिया में इनको लपेट कर बैठा दिया था। तो ये ऐसे ही करती है कभी कभी, इसको ऐसे ही बैठा देती है कान्हा जी को। और कह रही थी मम्मी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये मैंने शॉर्ट में भी डाला था कल, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाऊं। और ये देखिए यहाँ पर इधर प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं सोफे पर। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको, अपनी माता रानी के दर्शन कराती हूँ। और ये देखिए मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी तो बस दीपक जलाने रह गया था, तो यहाँ पर भोग वोग सब रख दिया था। तो बस यहीं पर चौकी लगाई थी नीचे मैंने। और ये देखिए यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी थी, दीपक बढ़ चुका था, माता रानी के आगे की जोत जो थी वो बुझ गई थी। और हम अखंड जोत नहीं जलाते हैं, बस डेली ऐसे जलाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको मतलब बाद में धूप बत्ती जल रही थी तो ये देखिए, और पापड़ मैंने इनको भून कर माता रानी को प्रसाद भोग लगा दिया था। और ये देखिए यहाँ पर श्रृंगार का सामान भी मैंने माता रानी को चढ़ाया है। तो चलो दिखाते हैं आपको और क्या क्या किया। और ये देखिए यहाँ पर उस दिन रोहिणी का बर्थडे था 22 सितंबर को, तो मोमोज बनाए थे हमने, तो उस दिन की क्लिप पड़ी थी मेरे पास, तो दोपहर में बनाए थे। और ये देखो साथ में बैठकर रोहिणी भी बनवा रही है। और देखो मैंने कहा बेटा बनवा दे, तो कह रही थी बर्थडे के दिन भी मम्मी मुझसे काम करा रहे हो आप। मैंने कहा बेटा जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि मोमोज का काम तो ऐसा है कि अगर एक जना बनाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ये देखिए क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इनमें, और बस मैंने सोचा मैंने कहा चलो जल्दी काम हो जाएगा। और ये देखो बना रही है, बिगाड़ रही है बैठ कर ये। और इस बस इसको बहुत ज़ोर सा पड़ रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा चलो बना दो। और बस बन चुके थे, अब मैं इनको फ्राइड करूँगी। तो किस किस को मोमोज अच्छे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मैं इनको बॉयल करके नहीं, भाप में नहीं बनाऊँगी, मैं इनको फ्राइड करके बनाऊँगी क्योंकि भाप में ना थोड़े कच्चे से लगते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने मोमोज़ को फ्राई कर लिया था, और मुझे वैसे मोमोज़ अच्छे नहीं लगते वो भाप में जो बनाते हैं। और ये देखिए बन गए थे मोमोज़, और खाने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये, लेकिन बच्चे उनको ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने कहा कभी मैदा बस नुकसान देती है ना, तो मैंने इसी तरह से इनको फ्राई करके बना दिया था मोमोज़ को। और उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है, तो इतना टाइम मैंने कहा चलो ऐसे खा लो, क्योंकि उस दिन बस हमारे पास में एक फंक्शन भी था। और यहाँ पर देखिए मैंने मोमोज़ के लिए चटनी बना दी थी, और इसमें लहसुन का यूज़ नहीं किया है मैंने, बस टमाटर और लाल मिर्च और जीरे से बनाई थी, क्योंकि हम लहसुन नहीं खाते हैं ना, तो इसलिए हमने उसका लहसुन का यूज़ नहीं किया था। और देखना कलर भी कितना सुंदर आ रहा था मोमोज़ का। और ये देखिए यहाँ पर शिवांश स्कूल से आते ही बस पूछने लगता है मम्मी मेरा वो ब्लू कलर का थैला कहाँ है, क्योंकि उसके अंदर इसका जो ये खिलौने होते हैं ना, ये टूटे फूटे से पता नहीं क्या क्या ले रहा था। और ये देखिए क्या क्या ले रखा है इसने, पता नहीं सारे पार्ट्स टीवी के, क्या हर चीज़ के, क्या खिलौनों से कम खेलता है इनसे खेलता है। और देखो दिखाती हूँ मैं इसका थैला, और देखो इस थैले में देखो इसने ये लॉइन लेके आया था मोबाइल से, वो रख रखे हैं। और पता नहीं क्या क्या इमेजिन करता रहता है कि मम्मी मैं ये बनाऊंगा इनसे, वो बनाऊंगा। देखो ड्रेस भी बस मैंने उतार दी थी, तो बस अब मैं इसको रखूंगी, और बस इसमें लग गया। और इसने कुछ खाया नहीं, तो बस कहने लगा कि मैं तो इन्हीं से खेलूंगा मम्मी। और ये देखो बस जो इसको अच्छा नहीं लगता ना, तो कह रहा मम्मी मुझे इसका मन नहीं कर रहा, ये ले लो आप। मैंने कहा बताओ मैं क्या करूँगी इसका। और ये देखिए पता नहीं क्या क्या लिए रहता है, यानी क्या क्या क्रिएटिविटी करता है। तो दिखाऊँगी चलो आपको इसकी क्रिएटिविटी क्या क्या करी है इसने, इनसे मुझसे ये सामान लेकर सारा।
और ये देखिए यहाँ पर इसने बना दिया है ये लकड़ी के टुकड़ों से और इन शेरों से। तो क्या बोल रहा था, मम्मी देखो मैंने बनाई है ये शेरों वाली कोठी। तो आपने भी देखी है कभी ऐसी शेरों वाली कोठी? और देखो ये क्या क्या क्रिटुटी करता रहता है, और पता अगर इसका एक भी सामान इधर से उधर हो जाएगा ना तो बस ये हमारा जीना हराम कर देगा, और पूछेगा ये कहाँ रखा वो कहाँ रखा है। अरे कोई बड़ी चीज़ हो तो उसको संभाल के भी रख दो, कुछ इधर उधर भी गिर भी जाता है इसके सामान में से, तो बस ढूंढ कर देना ही पड़ता है वरना जिद करता रहता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, तो चलो व्लॉग का करेंगे एंड। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए जिससे मेरा WT पूरा हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।